ए फोक्स, स्वागत है आप सब लोग का ब्लैक में कुकोंग के इस 13वें एपिसोड में। अगर आपने पुराने एपिसोड अभी तक नहीं देखे तो डू चेक इट आउट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड पिछले एपिसोड में हमने जूबाजी, जो हमारा पिग दोस्त है, उसको बचा लिया था क्योंकि उस पर एक डार्ट फेंक के मारा था सेकंड सिस्टर नाम की जो स्पाइडर है उसने, और उस डार्ट के चलते इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था और बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। तो हम लोगों ने बेसिकली उसको उस डार्ट को निकलवाने में मदद करी एंड इवेंचुअली हमारी बॉस फाइट हुई वो जो बुड्ढी स्पाइडर है उससे, जिसको स्कारलेट स्पाइडर बुला रहे हैं लोग, बट वो सैडली पिट से बाहर निकल ऊपर जा चुकी है एंड हम आ गए कोई सो भी येलो फ्लावर टेंपल नाम की एक जगह में। तो यार लेट्स कंटिन्यू, ढूंढते यार उस स्पाइडर को और अपना जो चौथा रेलिक है उसको लेते हैं, क्योंकि यार इसके बाद दो रेलिक और चाहिए। बहुत दिनों से चल रहा है ये चैप्टर, कुछ हो जाए इस चैप्टर को निपटाते हैं अपन। ओके, किधर जाना है वैसे? अरे यार ये उनके पास जाने का कोई सेंस नहीं है, वो फालतू में मारेंगे ये साला सांप भाई। ये तो साला एसिड वाला सांप आ गया इस बार, थोड़ा अनोइंग है भाई ये। ओके ठीक है, चल रहा है। चिंगलोंग छुशुई जानचि चिंगलोंग चिंगचिंग लंक ऑफ मेनी। भाई मेरे बंदरों जाओ, इनकी ऐसी तैसी करो। वो कहाँ है लीडर, कहाँ है भाई? कहाँ मार रहा हूँ मैं, वेस्ट कर दिया। ये रहा लीडर, वहाँ खड़ा हुआ है, बोल रहा है कि भाई आओ मेरे पास आओ। साले वो भाई क्या चल रहा है इसका? सही है, बहुत सही है वो भाई, इसका सोल मिल जाए मजा आ जाएगा। अरे तेरे को जला दूंगा साले, गलत आदमी से पंगा ले रहा है साले। साले की ऐसी की तैसी, अबे मेरे पास आना साले, वहां से क्या कर रहा है ये? वो भाई नहीं 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 नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा। ओ भाई ये क्या है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। वो वो भाई इसकी ऐसी की तैसी, बिल्कुल नहीं आ रहा मैं। अरे यार अबे पीछे क्यों भाग रहे हैं ये लोग? वो रुक जा रुक जा रुक जा, अरे गया 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 गया। ओ बच गया।
rather die than throw way out. Whoa! There's no sleep. भाई ऐसी की तैसी इसकी. इसका सोल मिल गया अपन को, क्या बात है भाई. अच्छा लड़ा यार ये, चाहे कुछ हो जाए. कमांडर बीटल ये लेके देखें अपन पहले. भाई इसको मारने में टाइम लगा. टैबलेट ऑफ द थ्री सुप्रीम्स, वे नाइस. इसके ये घटिया से वो नहीं होते ना, मेरा माना बच जाता यार, मेरा पूरा माना यूज हो गया. कोई बात नहीं. अभी ये दोनों बच्चे कैसे हैं? ओ भाई रुक जा रुक जा, मेरे पास कुछ है नहीं. अरे यार इसकी अभी एसिड ही चल रही है. ओके एक और सेफ पॉइंट, मेरे को लग रहा है बॉस फाइट आ रही है अब. वो अरे पागल है क्या ये भाई, सेव करने दे. हद हो गई भाई, सेव नहीं करने दे रहे. होली स्पिरिट कल्टीवेट करते हैं अभी अपन ने जो ली ना, आई थिंक कुछ बीटल करके था, बीटल का बॉस या कल्टीवेट स्पिरिट. कहाँ है वो बीटल वाला, कहाँ है? ब्रदर वेयर आर यू? अपग्रेडेबिलिटी नहीं, सॉर्ट बाय रेयरिटी. ये है ना बीटल वाला, कमांडर बीटल. एपिक है ये, सारे ही एपिक है वैसे देखा जाए तो. रेयर ये है, इसको टॉप पे डाल लिया अपन ने. ये भी रेयर है, ये कहाँ से रेयर है भाई. इसको करते हैं जब तक ये अपग्रेड हो पाया है. टेक द फॉर्म ऑफ द कमांडर बीटल. हाँ ठीक है, लेट मी हैव कमांडर बीटल हियर. कहाँ है भाई कमांडर? ये रहे. कुछ नया है अपने पास औजार वगैरह. ये क्या है? ये टैबलेट क्या करती है? क्रिटिकल हिट चांस व्हेन हेल्थ इज लो. और ये डैमेज रिडक्शन, ये ले लेते हैं चलो कोई बात नहीं. एंड ओके सो सेव करने. भाई क्या उचक कह रहा हो भाई, तुम सेव करो. ओके तो चलते हैं अपन. आई थिंक बॉस बैटल है यहाँ पे, अब नॉट श्योर. चलते हैं यार बॉस बैटल की तरफ. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अरे यार अबे बहुत सारे हैं यहाँ पे तो. वो भाई एक एक करके आओ सालों. अरे यार क्या हो रहा है भाई यार, ये बड़ी बकवास है. भाई कोई ढंग का होता है तो सही भी लगता है उसके साथ लड़ाई करने में. बड़े ही अजीब से हैं भाई ये. यहाँ पे कुछ है क्या? और नहीं, यही बैठे हुए थे यार. वापस सेव करके आना पड़ेगा भाई, क्या बकचोदी है ये. इधर कुछ है? इधर कुछ भी नहीं है. पता है मैं चाह नहीं रहा कुछ छूटे मेरे से वापस, क्योंकि मेरे को आने का मन नहीं है ये घटिया जगह पे. सेव हो जाओ. ओके सो या लेट्स गेट गोइंग गाइस, चलते हैं आगे. यहाँ पे कोई ना कोई तो मिलने वाला है मेरे को लग रहा है बॉस. लेट्स सी. अरे मेरे को लड़ाई नहीं करनी भाई, सीधे बॉस लेके आओ भाई. ये क्या है? हड्डी वाला कोई आया मेरे को लग रहा है, आवाज से वही लग रहा है पर दिख नहीं रहा कहीं. यहाँ एक्सप्लोर करें क्या थोड़ा पॉन्ड के आसपास, इधर कुछ होगा. अरे यार यहाँ पे ये, यहाँ पर ये हैं, मन नहीं है यार इधर जाने का. अरे भाई नीचे गिर रहा है. ये तो तुक्के में मिल गई ये जगह. क्या था यहाँ पे? आयरन क्लोव लीव. ओके लेट्स सी यहाँ पर क्या है. उधर भी लोग खड़े हुए हैं, उधर भी जाने का रास्ता है. लेट्स गो फॉरवर्ड ही चलते, सीधी चलो. एक बार में मर जाना भाई. क्या मतलब रहा? अजीब है भाई. वो भाई यार बहुत सारे हैं, ये भी उठेगा देखना. अभी
अरे यार ये दो लोग हैं, सबको ही खत्म करते हैं। आ जाओ मेरे बंदरों। सबको मारो बंदर, आ जाओ। अबे उधर कहाँ जा रहा है भाई, यहाँ मार रहा हूँ मैं। देखो भाई मैं क्लोन नहीं हूँ, मैं तो रियल हूँ। बंदरों आ जाओ, इन गधों को मारो। अरे यार वो ऊपर वो टाइगर है। वो भाई क्या कर रहा है ये? अरे अरे भाई ये दो हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं, दो हैं तो क्या हुआ, दस भी हो तो भी इनकी ऐसी तैसी कर दूंगा मैं। वो अरे व्हाट द हेल सर। भाई यार एक एक अपन को ये खोलने के लिए क्या कहते हैं मेडिटेशन पॉइंट, इतने लोग को मारना पड़ रहा है। उस शेर को भी मार के देखूंगा मैं, रुक जाओ। चलो यार एक मेडिटेशन पॉइंट और खुल गया। यहाँ पे कितने मेडिटेशन पॉइंट है मेरे को बताना, और मैंने कितने मिस कर दिए। अपन सारे मेडिटेशन पॉइंट ओपन करके आएंगे। चलो इसको और मार देते हैं। वो 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 रुक जा भाई, इसी से मारूंगा तेरे को। रुक जा रुक जा रुक जा। तू लड़ उसके साथ लड़। गया ये। वो रुक जा भाई, क्या मार रहा है यार ये। भाई हद हो गई, सेव करके आना पड़ेगा भाई। स्नेक शेरिफ, ओके इसका नाम स्नेक शेरिफ था यार। ये मेरे को सही लगा, पता है स्नेक शेरिफ, उनसे तो सही लगा मेरे को। ये पीछे भी हैं, एक बार मैं सेफ करके आऊँ। नहीं तो एक काम करते हैं, रुक जाओ अपन डायरेक्ट इन लोग को मारते हुए चलते हैं, पीछे देखते हैं क्या है। सेफ तो मतलब वैसे भी पहुंच ही जाएंगे सेफ पॉइंट पे। अरे तेरी ऐसे ही तैसी। यहाँ पे और क्या है, कुछ है? लेट मी सी, यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए। नहीं है यार। हीरो बन रहा है सारा। इधर क्या है? इधर तो कुछ नहीं है। ये क्या कर रहा है भाई यहाँ? वो रुक जा भाई। ओहो भाई साहब ऐसे की तैसी। अबे यहाँ पे क्या हो रहा है? ये लोग कुछ गार्ड करेंगे यहाँ पे, रुक जाओ। यहाँ से प्रोग्रेस करना है आगे।
थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर करें यार अपन। अरे इसकी ऐसी की तैसी, गंदे आदमी भाई, बहुत कीड़े हैं यार यहाँ। इस साइड के चेस्ट वगैरह लेने में थोड़ा सा सही लगता है। नहीं वो इधर क्या है, इधर अलग ही टेंजेंट पे पहुंच गए भाई अपन। इसको तो पता है 3 पॉइंट करके मारो साले को, उठेगा नहीं कभी ये। सिंपल। अरे यार मेरे को वापस सेव करने भी जाना है, बट ठीक है। ये आ कहाँ गया भाई, मैं एक सेकंड रुक जाओ। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ओपन वर्ल्ड टाइप बना दिया इसको भाई। मैं बस घुसता चला जा रहा हूँ कहीं पे भी। सीक्रेट लोकेशन पे पहुँच गया मैं कोई सी। यहाँ बॉस फाइट होगी कोई छोटी मोटी मेरे को लग रहा है भाई। मेरे पास एक एबिलिटी नहीं है। ये अखाड़ा तो बॉस फाइट वाला ही लग रहा है एक तरीके से देखा जाए भाई। ये बहुत घुमा देने वाली जगह है ये। ये क्या, ये कौन है? अच्छा स्टैचू है ये, बच्चों के स्टैचू हैं ये, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इधर सीढ़ी दिखी, इधर चलते हैं अपन। ओके मेरे को पता नहीं एक चेस्ट मिल गया। सही है भाई, चेस्ट ढूंढते चलो। कुछ मिला इसमें? अच्छा सोल रेमिनेंट पिल, मेडिसिन मिली है कोई। इससे क्या होगा देखें एक बार, रुक जाओ। ये तो चल ठीक है, वो मिला है। इन्वेंट्री के अंदर लेजेंडरी स्क्रॉल मिल गया है। बाय द वे गाइस, ऑफ स्ट्रीम मैंने ये लेजेंडरी स्क्रॉल लिया था, एंड इसके चलते हम एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। उसकी कहानी मैं बताऊंगा, बाकी कुछ है नहीं बेसिकली। अब हम अपने वेपन को अपग्रेड कर सकते हैं। वेपन को तो खैर कर ही सकते हैं, बट अपने जो आर्मर वगैरह उसको भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो स्क्रॉल की कहानी कुछ उस तरीके से, अपन आर्मर वगैरह अपग्रेड कर सकते हैं अच्छे से। इधर जाना है या नहीं, क्या लगता है? लेट्स सी यार, क्या ही फर्क पड़ता है। अरे भाई चलो, नहीं जाने दे रहा, तोड़ भी नहीं सकते अपन यार। अबे तो ये एरिया बस इसी के लिए था। चलो ठीक है, लेट्स गो बैक टू अवर लोकेशन। यहाँ पे क्या है? कुछ है ही नहीं। मेरे को क्यों लग रहा है यार ये बॉस फाइट वाली जगह कोई, पर कोई बॉस तो दिख ही नहीं रहा है जिसके साथ फाइट करना है। यहाँ से अपन आए थे, कहाँ से आए थे? इधर आए थे अपन, और मैं इधर चला गया था। हाँ यहाँ नहीं आया, वरना मैं ये मशरूम लेके गैदर करता, स्नेक हेड मशरूम। अरे भाई गैदर कर लो, मेरे को लग रहा है ये, हाँ लग ही रहा था भाई। कोई नहीं कोई नहीं, वो ये नया है। अभी इसकी हेल्थ क्या है? वो भाई व्हाट द हेल, अबे मेरे को लगा ये तो नॉर्मल है। अबे ये कहाँ का बॉस है भाई? अरे यार व्हाट द हेल, रुक जा रुक जा रुक जा रुक तो जाओ रुक तो जाओ। अरे रुक जा भाई, ये मारने का मौका क्यों नहीं दे रहा है? अभी हील कैसे कर रहा है भाई? ये हील कर रहा है भाई, ये मेरी हेल्थ ले रहा है। हाई व्हाट द हेल, कोई बात नहीं, चलते हैं डायरेक्ट बॉस फाइट की तरफ। मतलब लेट्स प्रोग्रेस, अपन ने सेव कर लिया वापस, वो आए नहीं, मतलब आ तो नहीं गए होंगे। लेट्स सी यार, आ गए होंगे तो भाई क्या डरता हूँ क्या मैं? ऐसी की तैसी उनकी, दिख तो रही नहीं है यहाँ पे, आवाज़ आ रही है बट साले, ना मैं इनको परेशान करूँगा ना ये मेरे को परेशान करेंगे। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये बंदा हर बार मिल जाता है, ये हमको कुछ ना कुछ अपग्रेड देता है। आपको अगर याद होगा पहले एपिसोड में इसने हमारा जो गॉड है वो अपग्रेड करके दिया था, और उस अपग्रेड के चलते अब हम कोई भी सोल को कैप्चर कर सकते थे। पहला अपग्रेड ये था, और दूसरे अपग्रेड में इसने हमको
जो फायर वाला है आई थिंक, जहाँ पर हमारी हेल्थ अपने आप इंक्रीज होती रहेगी, वो सिखाया था कि भाई एक क्या कहते हैं फायर का सर्किल बना दो और उस सर्किल के अंदर अगर तुम रहोगे तो तुम्हारी हेल्थ अपने आप ही इंक्रीज होती रहेगी। तो ये दो अपग्रेड इसने हमको दिए थे। चलो इससे बात करते हैं, अब क्या अपग्रेड करने वाला है ये। Knowing the joy within the play, why chase the notes astray? Love and passion are as fleeting as the clouds. In the end, they leave nothing but cobwebs and dust. ओके, तो भाई साहब पोइट्री कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी राइम नहीं कर रही और बोल रहा है ये, अगर गाना बजाने में तुमको खुशी मिलती है तो यार नोट्स के पीछे क्यों भाग रहे हो? प्यार और जो पैशन है दोनों एक बादल जैसे होते हैं, लाइक कुछ समय के लिए ठहरते हैं। Tell Master Pig if you will that attachments are not to be dwelt upon. और जब वो जाते हैं तो अंत में मकड़ी का जाला और धूल छोड़ जाते हैं, मतलब क्या राइम करेगी बंदे। और ये बोल रहा है कि यार एक जो टूटा आईना होता है वो कभी पूरा नहीं किया सकता, उस तरीके से वो जो पिग है उसको बोलना कि भाई लगाव जिससे तुम कर रहे हो उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। पिग किसके बारे में लगाव है, मतलब पिग के दिल में किसके लिए लगाव है? आर्टिस्टिक बिहेवियर है भाई उसका तो। ओके, मैं समझ रहा हूँ ये किसकी बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है यहाँ पर कि इमॉर्टल थी वो पहले, लाइक हेवेंस में रहती थी, प्यार के लिए भटकते हुए वो नीचे आ गई और यहाँ पर बेसिकली वो रहने लगी मकड़ी बनके, ऐसा क्यों बोल रहा है ये? बेसिकली ये बुड्ढी जो स्पाइडर है उसके बारे में बात कर रहा है और आई थिंक वो अपने प्यार को ढूंढते ढूंढते नीचे आई है, बट उसका प्यार यहाँ पे कैसे मिल गया उसको, मतलब कौन है उसका प्यार? वो पिक तो नहीं है, कुछ है नहीं भाई। यहाँ भाई अपन क्यों आए यहाँ पे, हट, फालतू में इन लोग को मारा था मैंने पिछली बार, गलत है ये तो। और इधर भी कुछ है नहीं, वहीं जाना है मतलब पीछे साइड यहाँ पे। अरे यार ये कहाँ से आ गया? अरे यार क्या कर रहा है ये, ढंग से लड़ते नहीं बनते इससे भाई, अनोइंग है ये बहुत। क्या स्टाइल में मारा है लेकिन, मैंने देखा जाए तो ये भी गया सारा, देखना एक ही हिट में मारूंगा इसको तो। ओ भाई पांच गुलाटी खा के गिरा है यार ये भाई, मैं क्यों आया इधर? अरे यार ये अधे जैसा लगता है इसकी ऐसी तैसी। क्या गधे जैसा लड़ता है भाई ये, बहुत घटिया। अंदर क्यों आया मैं इधर? अरे नहीं 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 नहीं, फिर से लड़ना पड़ेगा इससे। भाई क्या यार, अनोइंग विलन से। अरे यार ये एक और था मैं भूल गया। क्या अनोइंग विलन्स हैं आपके। इधर में हुआ आया था ना आई थिंक, यस इधर तो हुआ आया था, इधर ही चलते हैं। यहाँ पे खड़ा हुआ है बढ़िया एकदम हीरो बन के। तीसरा कहाँ है भाई, रुक जाओ इन दो की ऐसी तैसी। फॉरजेट अच्छा सिखाया भाई इसको लड़ना, क्या करें। वो भाई धाड़ मत साले, भाई ऐसी की तैसी इसको ले ले भाई, अब्सॉर्ब। ओके कंटिन्यू करते हैं आगे। अरे यार यहीं सेफ पॉइंट था भाई, मैं अभी गधा हूँ, यहाँ क्यों नहीं आया मैं, उधर चला गया मैं बड़े हीरो बन के। सही में यार फाइनली भाई सेव कर लो। अपन को एक पॉइंट मिला है ना, रुक जाओ कल्टीवेट नहीं 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 क्या करते हैं अपन, लेट मी एक काम करते हैं अपन, व्हाट शुड वी डू, हेल्थ बढ़ाएं क्या? ये कौन सा है, ड्यूरेशन ऑफ फोर बेनिफिट्स रिड्यूस। अच्छा तो बेसिकली हमको ठंड लगेगी या फिर आग लगेगी या पॉइजन लगेगा वो कम हो जाएगा थोड़ा, माना इंक्रीज करना है भाई। अरे यार शिट नहीं कर सकते, इसको कितने चाहिए, दो पॉइंट्स चाहिए क्या? नहीं एक ही चाहिए ना इसको तो, नहीं
दो पॉइंट चाहिए इसको, एक चाहिए स्लाइटली क्रिटिकल हिट चांस, स्टेमिना बढ़ सकता है इससे अपना और इससे हेल्थ बढ़ जाएगी अपनी। पता नहीं मैंने स्टेमिना क्यों बढ़ाया, बट ठीक है यार, इसमें ऐसा तो है नहीं कि भाई फिक्स हो जाएगा स्टेमिना बढ़ गया तो, बस स्टेमिना ही बढ़ा रहेगा। यहाँ बॉस फाइट होगी पक्के में, हो रही मकड़ी। You must save me. So, both my trap and my vessel failed. But how? When I saw him, I just couldn't. The destined one then arrived and bested me. Now the monkey has ransacked our hollow. A mere monkey showing such disrespect. Your wound was recovering. But now it's getting worse. Fear not. I'll deal with him. ये लड़ेगा अपन से, ये उसका भाई है। But before that, that thing of mine, do you still have it? रेलिक, रेलिक की बात चल रही है क्या? अच्छा इसी ने रेलिक दिया है। Despite all your failures, you led the destined one here. मारेगा क्या ये भाई, ऐसा नहीं करना। I reward you for that. But the thing I gave you, now I must have it. Oh, नहीं भाई, what the hell? अभी रेलिक की वजह से जिंदा थी ना। कितना हरामी भाई है भाई ये। You girls are far too young to comprehend my design. This, along with those relics inside him, shall free me of Kunlun's reign. 100 I Dioist Master. Rest assured, darling, I'll avenge you. तू नहीं तो मारा है। Go of your misery and rest in peace. इसकी ऐसी की तैसी। ओ, मदद करूंगा मैं तुम्हारी लड़कियों। मेरे बंदर आओ, मारो इसको। ताला कहाँ जा रहा है ये भाई, ये क्या है? सब मार रहे हैं भाई मिलके। मारो साले को। अबे कहाँ गया ये? How can she find peace knowing you girls have turned against me? साले तेरी ऐसी की तैसी भाई, इसको ये तो अच्छा, ये लड़कियां मेरे साथ हैं। भाई क्या गधा है ये। मारो इसको साले को। ओ Now join her in death. And you, my plan is out. Whoa! Hey, what the hell? वो कहाँ गई? मकड़ियाँ कहाँ हैं? भाई मैं अकेला थोड़ी लड़ूंगा। साढ़े। Step closer. There's another strike to bear. वो भाई व्हाट द हेल, क्या चल रहा है ये? The rebels might find no rightful device.
अरे यार शिट, यार कैसे मारूं मैं इसको? साले तेरे पैरों की ऐसी की तैसी। वो अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, वो भाई व्हाट द हेल। अरे यार शिट, ओके तो गाइज मैंने बेसिकली एक निडल लिए यहाँ पर, उसका मैं वीडियो डालूंगा। ये जो निडल है, इस निडल के थ्रू अपन इसका जो सेकंड फॉर्म है, बेसिकली इसके दूसरा फॉर्म भी है। You are seeking your doom just like those girls. A doom that I'm more than pleased to give you. हाँ भाई, तो इसका जो सेकंड फॉर्म है उसको अपन ये निडल के थ्रू रोक सकते हैं। वो भाई साहब रुक जाओ, साले तू एक जगह खड़े रहे। वो भाई गन खजूरा है भाई ये तो। अबे क्या बकचोदी है यार, रुक जाओ हील ले लूं मैं। अबे यार साला पीछे क्यों जा रहा है ये? सिर दर्द हो रहा है इसको भी। गया 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 गया, रुक जा रुक जा। भाई कितनी हेल्थ लेता है ये, थ्री चार्ज अटैक नहीं। आई जमीन में जा रहा है ये। अरे बकचोदी भाई, खड़े रहे साले मेरे को हेल्थ लेने दे। अरे यार वेस्ट करवा दिया इसने। कहाँ गया कहाँ गया भाई ये? उधर है। वो नाइस, साले के पैरों में मारो नीचे वाले। अरे यार रुक जा साले, उल्टी कर रहा है भाई, फिर खाते क्यों है ऐसी चीजें? ओ अरे भाई मैं सोच रहा था सेकंड फॉर्म के लिए रखूंगा हेल्थ, बट नहीं। ओ मारो साले को। अरे भाई पूरा अटैक वेस्ट हो गया, हेल्थ ले दो। मतलब बेकार फाइट है भाई ये। गया गया गया, अरे उठ जा भाई अंदर। अरे यार फिर अंदर चला गया भाई, तीन चार अटैक तो ऐसे ही वेस्ट हो गए भाई। वो वहां क्यों बाहर निकला है भाई, पागल है क्या वो? अच्छा फॉर्म चेंज कर रही है, मैं भी तैयार हूँ, रुक जाओ। ये निडल यूज कर लियो अपन ने।
ये भी बोल रहा है कि भाई वो जो नीडल है उसको ड्रेन कर दिया था पावर के थ्रू, तो ये बोल रहा है तुमने नई कहां से ले ली वापस। वो भाई ये क्या है, भाई मैं बच कैसे रहा हूं, लेकिन मेरी एक हेल्थ बची भाई, एक एचपी पी ले भाई, पूरा पी ले, गया अभी है। वो साढ़े तेरी ऐसी की तैसी, अभी ये क्या कर रहा है, बच गया। भाई कुछ भी नहीं मेरे पास, भाई क्या हेल्थ जाती है इससे रिचार्ज अटैक से, साढ़े तेरे पैरों की ऐसी की तैसी। वो केचुए साले, अरे यार अभी मैं ट्रांसफॉर्म हो सकता हूं भाई, ट्रांसफॉर्म हो जा, ट्रांसफॉर्म हो जा, तेरे को तो जला दूंगा साले। गया 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 गया, अरे भाई अल्टीमेट अटैक यूज करने नहीं दिया, अभी चला जाता भाई एक अटैक में। अबे भाई एक एचपी बचा है ये, उठ जा उठ जा उठ जा। गया 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 गया, अबे ये क्या बक्चो दिए भाई, भाई क्या है ये, भाई गायब हो गया भाई, व्हाट द हेल भाई, ऐसी की तैसी भाई, बहुत ट्राई लगे इसको मारने में। कौन है भाई ग्रैंड मास्टर? बचा पाए स्पाइडर को ना, इसने सारी मकड़ियों को कंज्यूम कर लिया था। ये क्या हुआ यार, जुबाजी इसको याद आ गया आई थिंक पुराना सब कुछ जुबा जी को। ये छोटी बेटी आई थिंक जुबा जी की है, या सारी बेटियां इसी की हैं, क्या पता। भाई कोई बताएगा इन दोनों की बैक स्टोरी? मैं कहाँ हूँ भाई, मेरे को रैलिक दो यार, चौथा रैलिक चाहिए मेरे को। ये है चौथा रैलिक आई थिंक, 1 2 3 4 5 6, अभी तो 6 रैलिक की जो लोकेशन है उस जैसा दिख रहा है। ओके बैक स्टोरी का टाइम, इसको डीकोड करते हैं नहीं तो मैं देखूंगा इसकी क्या स्टोरी है, कर पाएंगे क्या डीकोड देखते हैं। भाई क्या एनिमेशन है ये,思念是
हाँ ये वो मकड़ी है, ये जुबाजी है। अच्छा जुबाजी का लव किसी और को मिल गया और पीछे वो मकड़ी है। वो इसको पता है अर्थ पे फेंक दिया हेवन से। ये वो मकड़ी है, वो बड़ी मकड़ी। देखो इसको अर्थ पे फेंक दे, देखा पिग बना दिया। मैं बोल ही रहा था अरे अगली बना दिया यार इसको। नहाते हुए देख लिया इसने। ये मकड़ी बन गई। इन दोनों का प्यार अधूरा रह गया। आई थिंक ये ह्यूमन अबोर्ड में आ गया अब। मैंने बोला था ना। चैप्टर 4 रोजी चीक्स ग्रे हेयर कंक्लूडेड। भाई यार बढ़िया चैप्टर था, आई जस्ट लव दिस चैप्टर। You have grown in strength, but not in wisdom. You've not only hurt Bajia and his darling, but also laid waste to the seal of the High Ones. A grave misdeed. Mortal or immortal, all seek to break from the past and start anew. Yet destiny, like a lover's tongue, speaks one way and means another. Though you may savor it yourself, you can never tell if you truly want it or not. Okay, तो basically ये बता रहा है कि यार तुम्हें बुद्धि की कमी है, स्ट्रेंथ भले ही आ गई हो, और ना सिर्फ तुमने बाजे और उसके लवर जो है उसको दुखी करा है, बट जो सेलेस्टियल गॉड्स ने तुमको एक सील दी थी उसको भी वेस्ट कर दिया। अब वो सील क्या है मेरे को नहीं पता। और आगे बताता है ये इंसान हो या भगवान, सब अपना जो पास्ट है वो भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आगे, पर जो भाग्य होता है वो चाहता कुछ और है लेकिन बोलता कुछ और है बिल्कुल एक लवर की तरह। सही बात है, लड़कियों को समझना भी मुश्किल है और भाग्य को भी। और वो बोल रहा है कि शायद तुम अपना भाग्य अभी पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हो, पर तुम ये बता नहीं सकते वो जो भाग्य का दिया हुआ तुमको सही में चाहिए भी या नहीं। मतलब कुछ अच्छे से, मतलब बढ़िया लाइफ लेसन है नहीं। Subdued by Bodhisattva Pilanpur and locked on Purple Cloud Mountain. Only by a plea from the celestial court was he spared. The immortals dispatch minions to enact their will while they remain serene as if playing a game of chess. Pity those pawns.
They know full well what they are, yet they cling to false hopes and even take pride in it. ओवरऑल यार ये अच्छा चैप्टर था। अब ये भाग्य किसके भाग्य की बात कर रहा है, मेरे भाग्य की कर रहा है या फिर ये बाजे के भाग्य की कर रहा है, बट मेरे को लगता है इस बंदर के भाग्य की कर रहा होगा। बट इसका भाग्य क्या है, इसका भाग्य है वुकोंग बनाना, तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ भाग्य का दिया होगा, या मेरे को वुकोंग बनना भी है या नहीं। अच्छा ओ तो बेसिकली बता रहा है कि यार शायद तुमको वुकोंग नहीं बनना हो, उससे कहीं बढ़कर बनना हो, आई डोंट नो यार, देखते हैं आगे। और ये जो 100 आई डायोस मास्टर है, इसकी स्टोरी ऐसी है कि यार इसको जो बोधिसत्वा पिलनपो है उसने इस पर्पल क्लाउड माउंटेन पे हमेशा हमेशा के लिए बंदी बना दिया था, बट इसने रिक्वेस्ट करी हाई कोर्ट से, तो वो सेलेस्टियल कोर्ट ने कहा ठीक है रिक्वेस्ट माफ कर देते हैं। If he clings to the ties of love, he was an admiral of the court, a pig in the mountains, and bajia in the journey. Yet his nature remains unchanged. So be it, a guileless fool may know less sorrow. ओके तो बेसिकली ये हमारे बाजी के बारे में बता रहे हैं। बाजी जो बाजी है वो भले ही उसने अपनी शक्ल बदल ली बट उसका नेचर वही रहा सेम, एंड वो अगर प्यार में पड़ा रहता तो ऑब्वियसली बकचोदी करता। ये क्या है, ये वुकोंग भाग रहा है, असली वुकोंग, ये लोग क्यों आग छोड़ रहे हैं? No aid from the court was given, but Wukong is ever heedless of rules. He might have sought higher places for help. Okay, और ये बता रहा है जो Bodhisattva Pilanpo है उसने ही मदद करी थी, बाकी के जो कोर्ट मेंबर्स हैं उन्होंने से किसी ने मदद नहीं करी, लेकिन ये जो Wukong है वो तो वैसे ही शैतान ही करता रहता था और मजे करता रहता था, तो उसको फर्क भी नहीं पड़ता था किसी की मदद का। एंड आई थिंक ये क्या है, This rooster is Pilanpo's son, the Dawn Star he was called. Oh. Through him is forged the weaver's needle, the one that subdued the many-eyed master. More than that, he once crowed a giant she-scorpion to death. Indeed, he is a bane to all insects. Okay, so basically एक rooster है, जिसको अगर आप, like मैं डालूँगा इसका video इसके बाद, मैंने इस chapter में include नहीं किया। तो इस रूस्टर को मारने के बाद हमको एक नीडल मिलती है, तो ये जो रूस्टर है ये 100 आइट का सन था और इसने एक नीडल वीव कर रखी थी, जिस नीडल के थ्रू हमने ये 100 आइट को हराया। आई थिंक सब हो गए, सबका देख लिया, तो या शुड वी कंटिन्यू टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके आई थिंक गाइज इसी के साथ इस एपिसोड की समाप्ति। ओके गाइज सो थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, इसके साथ इस एपिसोड की मैं समाप्ति करता हूँ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए ओवर एंड आउट, एंड डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन चैप्टर 4 कैसा लगा। मतलब अपन ने यार इसके लवर को मार दिया काइंड ऑफ, मतलब अपन ने नहीं मारा, 100 आइट ने मारा, बट ठीक है इसने बख्श दिया था पिछले फाइट में। सो या डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा ये एपिसोड, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।